नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 5 किलो अफीम की बरामद। हिमाचल से गुरदासपुर जा रही दूल्हे की कार गांव हवेल चांग के नजदीक हुई दुर्घटनाग्रस्त, दूल्हे की बहन व ड्राइवर हुए गंभीर घायल। कैबिनेट मंत्री पंजाब ब्रह्मशंकर जिम्पा ने गांव बजवाड़ा और किला बरुण में सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके चलते कमिश्नरेट पुलिस ने 3 व्यक्तियों को 5 किलो अफीम सहित काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय कोरियर सेवा के माध्यम से नशे को 4 अलग अलग देशों में सप्लाई करता था। फिलहाल पकड़े गए 3 आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। कमिश्नर पुलिस जालंधर ने एक अंडर द सुपरविजन ऑफ एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन एंड डीसीपी इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने एक ड्रग कार्टल का पर्दाफाश किया। तो जिहड़ा ओपीएम सप्लाई करते सीगे टू डेजिग्नेटेड बायर्स अक्रॉस द ग्लोब, 4 कंट्रीज़ ते हुण तक सानू सामने आए हैं। मोडोस ऑपरेंडी ये सीगा कि झारखंड तो ये जिहड़ी ओपीएम है उहदा इनलेट सीगा। एक बंदा मनी ठाकुर जिहदा नाम है, फॉरन बैठा है, यूके च जलंधर दा रहण वाला है। हुण तक वो किंग पिन फिगर आउट हो रहा, वो अरेंज करदा सीगा ओपीएम झारखंड तो। झारखंड तो डेजिग्नेटेड जिहड़े कुरियर सीगे बंदे सीगे वो आंदे सीगे। होशियारपुर एक अमन नाम दे व्यक्ति नू वो सप्लाई करते सीगे, ते उन्हां दी क्वांटिटी पर विजिट 10 किलो ते 5 किलो हुंदी सीगी। अमन जिहड़ा है उहदे 2 मोबाइल दे शोरूम्स हैं, एक पॉश कॉलोनी च उहदा घर उन्होंने नया नया बनाया। सनी जिहड़ा है उहदी कुरियर कंपनी है, जलंधर दा रहण वाला है। ते सनी जिहड़ी ओपीएम सीगी उहनू पैकेट च पैक करदा सीगा, 1/2 किलो ते 1 किलो। जिहड़े एड्रेसिस हैं वो शैजल है, एक होर व्यक्ति जिहड़ा गिरफ्तार होया है वो टांडा तो गिरफ्तार होया, इहदी भी कुरियर कंपनी है। ये एड्रेसिस प्रोवाइड करता सीगा। हुण तक दी इन्वेस्टिगेशन च कोई 300 एड्रेसिस साडे कोल आए हैं, फॉरन एड्रेसिस जिहड़े US दे हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया ते कैनेडा दे। ये जिहड़ा काटल है ये पिछले 3-4 साल तो काम कर रहा सीगा। हुण तक कदे भी ये फड़िया इसलिए नहीं गया क्योंकि ये सारे वाइट कॉलर हैं, इन सारियां ते हुण तक कोई भी परचा दर्ज नहीं है। तो पिछले 3 साल तो ये काम कर रहे थे। इन्होंने ड्रग मनी यूज करके अपने प्रॉपर्टीज़ जिहड़ी हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी बनाई हैं, वो भी अपना आइडेंटिफाई कर लिए, कुछ कर लिए, कुछ हो जाएंगे। हुण जिहड़े कुछ इदां दी कुरियर कंपनीज भी हैं, इंटरनेशनल कुरियर कंपनीज, वो भी अंडर स्कैनर हैं। हिमाचल से गुरदासपुर जा रही दूल्हे की कार मुकेरिया के नजदीक गांव हवेल चांग के नजदीक दुर्घटना का शिकार हो गई। इस घटना में कार में सवार कुल 6 व्यक्तियों में दूल्हे की बहन सहित ड्राइवर गंभीर घायल हो गया। कार में सवार सभी लोग हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के निवासी हैं, तो वहीं घटना के बाद राहगीरों की मदद से सभी की मुकेरिया के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां दूल्हे सहित सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई है, जहां से दूल्हे की बहन और ड्राइवर को छोड़कर सभी विवाह समागम में शामिल होने के लिए अस्पताल से रवाना हुए। डॉक्टर के मुताबिक हादसे के कारण दूल्हे की बहन कविता के सिर में गंभीर चोट लगी है और कार चालक के सिर और छाती में तेज दर्द की शिकायत के कारण अस्पताल में उपचार दिए। मैं बिलासपुर से आ रही थी, भाई की शादी अटेंड करने आई हुई थी और उसकी बारात में थी, और आते आते जैसे सुबह ही चल पड़ी बारात और सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया। मतलब कहाँ जा रहे थे आप लोग? भाई की शादी, मतलब बारात अटेंड करने उसकी बारात में जा रहे थे। तो क्या हुआ फिर रास्ते में, गाड़ी कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई, कुछ जानकारी है? रास्ते में पता नहीं कुछ, मतलब थोड़ी नींद सी भी थी ना, और वो जो ड्राइवर थे पता नहीं, वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि बचाव के लिए हमने थोड़ा
थोड़ी साइड को की गाड़ी, सामने से आ रही थी गाड़ी, तो उसके बचाव के खातिर वो फिर पता नहीं पेड़ से बजी कहाँ क्या। जी हम इनके ब्रदर की शादी में यहाँ पे गुरदासपुर में आए थे जाऊ से, तो सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पे मकेरियाँ के पीछे गाड़ी पेड़ से टकरा गई एकदम से। ड्राइवर ने कंट्रोल लॉस कर दिया अपनी गाड़ी से, और इसके बाद हम इनको यहाँ पे ले आए हॉस्पिटल में। तो उसके बाद अभी डॉक्टर इनको, ड्राइवर को चोटें हैं, बाकी इनको चोटें थी, बाकी जो और सवार थे उनमें थोड़ी फर्स्ट एड वगैरह करके उनको भेज दिया गया था। कैबिनेट मंत्री पंजाब ब्रह्मशंकर जिम्पा ने गांव बजवाड़ा और किला बरुण में लाखों रुपयों की लागत से सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट के कार्य की शुरुआत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार शहरों के साथ साथ गांव के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से इन दोनों गांवों में विकास की गति में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि लोक हित में गत दिनों ही पंजाब सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी और जल सप्लाई तथा सीवरेज विभाग की ओर से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गांव में रखे समागम को भी संबोधित किया और लोगों की समस्याओं को भी सुना। मौका आया कि बहुत ही ऐतिहासिक पिंड पिंड बजवाड़ा जिहड़ा कि किसी वेले शहर के रूप च सीगा, और बड़ी कृपा हुई मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान दी कि उन्होंने जिथे जिले में 867 करोड़ रुपया टोटल हुशियारपुर जिले में दिता, जिहदा मानयोग सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का मान सीएम दिल्ली सुप्रीमो साहब साढ़े और मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हुशियारपुर आके कोई तकरीबन 50,000 के कट के अगे करके उस संबंध जिहड़ा तकरीबन 31 करोड़ के लागे पैसे दे नाल जिहड़ा सीवर दो पिंड कवर हो जाने हैं और 15,000 तो ज़्यादा की आबादी में यह फायदा होना। क्यों एक्चुअली की अज शहर और पिंड जड़े है नाल नाल लगता हैगा है। और दूजी गल है शह पिंडा दे विच भी उही चीज़ां चाहीदियां जिहड़ियां शहरां दे विच सीगियां जिहदा सीवरेज खास तौर पर। और इहदे लई मैं सारे ही सरपंच साहिबान पिंड के पंच साहिबान इलाके के सज्जन अपने महकमे के मेरे ऑफिसर एसी साहिबान एक्सएन साहिबान इन्हां सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने जंडियाला गुरु में आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस क्लिनिक में 100 प्रकार के लैब टेस्ट और लगभग 100 प्रकार की दवाइयां जरूरतमंदों को निःशुल्क दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को और दी जाएंगी और 100 बेड का अस्पताल भी खोला जाएगा। इस मौके पर शहरवासियों ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो और पंजाब सरकार का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री की माता सुरेंद्र कौर, पत्नी सुहिंदर कौर, आम आदमी पार्टी की ब्लॉक प्रधान सुनैना रंधावा, सतेंद्र सिंह, नरेश पाठक, शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी, चेयरमैन छनाक सिंह, इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह, एसओ गगनदीप सिंह, एसएमओ सुमित सिंह, कमरदीप सिंह भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। एक मोहल्ला क्लीनिक साढ़े को इतने पहला भी चल रहा है और यह जंडियाला शहर के दूसरा मोहल्ला क्लीनिक जोड़ा असी खोल रहे हैं। जो अमृतसर जिले के देखिए तो अब साढ़े 60 अमृतसर जिले के मोहल्ला क्लीनिक पूरे हुए हैं। पूरे पंजाब की गल करिए 165 नवे जोड़े आम आदमी क्लीनिक ने यह साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब तो साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल साहब अज 165 नवे खोल रहे आम आदमी क्लीनिक का जोड़ा है। अमृतसर निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह के आदेश पर पुराने फोकल पॉइंट में शुरू हुए विकास कार्यों से आने वाले दिनों में फोकल पॉइंट की नुहार बदल दी जाएगी। इस अवसर पर प्रधान संदीप खोसला ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को देखते हुए आरसीसी की सड़कें बनवाने, रोड वाइंडिंग और स्टाम सीवर बनवाने के कार्य चल रहे हैं। फोकल पॉइंट के सभी पार्कों का विकास और सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ 5 माली भी पक्के तौर पर दे दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइट का कार्य भी जारी है।
उन्होंने बताया कि यहां पर गौशाला के शेड बनवाने के लिए एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं और टेंडरिंग की प्रक्रिया को शुरू करवाया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ICCC के तहत फोकल पॉइंट में 15 CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी फोकल पॉइंट में स्थायी तौर पर बनी बिल्डिंग में 2 बड़े फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 1 छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पक्के तौर पर रखी हुई हैं। आने वाले दिनों में फायर ब्रिगेड का कार्यालय भी बनाया जाएगा। इस अवसर पर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किरण कुमार ने कहा कि JCB मशीन और टिप्पर के माध्यम से जितना भी कूड़ा करकट फोकल पॉइंट में पड़ा है उसे उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ कंपनी की गाड़ियां नियमित तौर पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करेंगी, जिससे फोकल पॉइंट में सफाई व्यवस्था में बेहतर प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह के आदेश पर फोकल पॉइंट पर पक्के तौर पर कूड़ा करकट उठाने के लिए 3 गाड़ियां और 5 सफाई कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर, पिछले काफी समय तो फोकल पॉइंट इंडस्ट्री की एक डिमांड सी कि इतने जी गारबेज की लिफ्टिंग है उन्होंने प्रॉपर और वधिया तरीके ना किया जाए। पिछले दिन ही मैडम जीवन जोत कौर जी MLA साहब का कमिश्नर साहब की एक मीटिंग हुई सी जिदे विच यह आदेश दिए गए सन कि इतने फोकल पॉइंट से जोड़ा लिफ्टिंग की मशीनरी जी वधाई जाए, परमानेंट इन्हों अलॉट की जाए तो सफाई सेवक जोड़े इन्हों परमानेंट अलॉट किए जाए। अज मैडम जीवन जोत कौर जी MLA साहब के साडे कमिश्नर साहब के कहने इतने तुम देखे होना है कि परमानेंट ट्रॉलियां डिप्यूट करती गई हैं, परमानेंट सफाई सेवक डिप्यूट करते गए हैं। तो जिस तरह अगो मतलब वाधा करने की भी जरूरत पेगी, आप कमिश्नर साहब के हुक्म से मैडम जीवन जोत कौर जी के हुक्म से वाधा करने की भी कोशिश करा। मैं शुक्रगुजार हाँ मैडम MLA जीवन जोत कौर जी का और साडे कमिश्नर हरप्रीत जी का, डॉक्टर साहब किरण जी और सारी टीम का, और ये जी विकास की झड़ी मैडम जी ने और CM साहब के निर्देशों से लियादी है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है झड़ी की। मैं तो बरसात ही कहांगा और साड़ी बड़ी पुरानी मंग सी कि सानू ट्रालियां एक्स्ट्रा दित्तियां जान और सफाई सेवक दिते जान। एक बहुत पुरानी मंग सी कि साडा जिहड़ा खर्चा फैक्ट्रियां तो 500 रुपये लिता जा रहा है गारबेज कलैक्शन का, उन्होंने 250 किया जाए, जिहड़ी कि बड़ी वड्डी मंग सी और जिहड़ा मैडम ने निर्देश दे के उस वेले कमिश्नर साहब नूं कह के ते सारा करवाया और असीं मैडम जी का दिलों शुक्र अदा करने हां। अमृतसर पिंजरा पोल गौशाला की ओर से चलाए जा रहे गौ सेवा संकल्प अभियान के तहत फोकल पॉइंट स्थित गौशाला परिसर में प्रतीक सिंह अरोड़ा और विजय सेठ द्वारा पूजा अर्चना के बाद गौ संकल्प लिया गया। इस अवसर पर आए लोगों द्वारा कुल 3 गवों की खुराक की जिम्मेवारी ली गई, जबकि सुभाष अरोड़ा द्वारा गौ सेवा में 1,00,000 रुपए दिए गए। इस दौरान प्रधान संदीप खोसला ने कहा कि गौ माता की सेवा करने मात्र से ही सभी देवी देवताओं की सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। एक गौ माता की खुराक का खर्च प्रतिदिन 70 रुपए के हिसाब से केवल 2100 रुपए प्रति माह आता है, जो कि प्रत्येक परिवार बड़ी आसानी से गौ सेवा के लिए दे सकता है और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी से गौ सेवा संकल्प अभियान से जुड़ने की अपील की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज अमृतसर पिंजरा पोल गौशाला विच 2 गावां अडॉप्ट कीतियां गईआं। जदों असीं मिशन चलाया सी कि अमृतसर दे विच कोई लाचार बीमार गौ ना रहे, असीं उस मिशन दे विच लगे होए आं। आने वाले टाइम दे विच जे सानूं लोकां दा ते सरकार दा सहयोग मिलिआ तां असीं अमृतसर दे विच कोई आवारा लाचार ते बीमार गौ नहीं रहण देआंगे। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें राजेश शर्मा, कविता शर्मा, विवेक कृष्ण यादव ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर गुरुकुल करतारपुर से पधारे आचार्य सूरज राणा और वेद व्यास ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पोडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सबको अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारीलाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Bye.
सूरज राणा जी जो कि गुरुकुल करतारपुर के विद्यार्थी भी थे और अभी वह के अध्यापक हैं, उनके साथ वेद व्यास जी जो कि इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं, जिन्होंने आज विशेष करके चारों वेदों के मंत्रों द्वारा यह यज्ञ संपन्न कराया। मैं जैसा कि आप जानते हैं आने वाले गत सप्ताह हमारा वार्षिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, 11 से 17 मार्च तक इस कार्यक्रम में आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी आए और अपने सगे संबंधियों को भी साथ में लेकर आए, मित्रों को लेकर आए, अवश्य आए, चाहे एक दिन निकाल के आए, दो दिन निकाल के आए, कोशिश कीजिएगा कि अवश्य आए। आज विशेष यहाँ हवन करने का तात्पर्य यही था कि जो हमारा विशेष वहां का यज्ञ कुंड है उसको पुनः उसका पेंट पॉलिश वगैरह किया जा रहा है। धन्यवाद के लिए मैं सबसे प्रथम तो उस पर पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्य कर रहे हैं। वेद की ज्योति जलती रहे और हमारा ध्वज ओम का ध्वज फहराता रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, उसके लिए हम ये प्रयास करते हैं। आज के मुख्य यजमान हमारे विवेक कृष्ण जी यादव जी जो पद पर कार्यरत है, बैंक अधिकारी हैं, पिछले रविवार अचानक इनका नाम हुआ जहाँ पर, क्योंकि ये सब पिता परमात्मा की व्यवस्था है, इनके मन में भाव आना, इनके मन के अंदर भाव लेके आना, ये तो सब ईश्वरी कृपा है। आप यहाँ पर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामेश्वरम सेवा मंडल व श्री शिवाराधना सेवा मंडल की तरफ से पहला वार्षिक भंडारा 6 मार्च से 25 मार्च तक श्री अयोध्या धाम में स्थित अयोध्या कैंट जंक्शन भारत स्काउट ग्राउंड में लगाया जा रहा है। इस लगने वाले भंडारे के लिए सामग्री भरे ट्रक को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विचके कर कमलों से नारियल फोड़कर व हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभिषेक विज ने इस धार्मिक कार्यों के लिए श्री रामेश्वरम सेवा मंडल व श्री शिवाराधना सेवा मंडल के आयोजकों राकेश गोयल, विक्रम कुमार, एडवोकेट मोहित भारद्वाज इत्यादि को बधाई दी। आयोजक राकेश गोयल ने बताया कि श्री अयोध्या धाम में लगने वाले भंडारे को रवाना कर दिया गया है। अयोध्या धाम में दर्शनों को आने वाले श्री राम भक्तों को रोजाना अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर बीके द्विवेदी, रवि महाजन, अरुण कुमार गुप्ता, मोहिंदर पाल, प्रेम कुमार महाजन, कुलवंत सिंह, दीपक शर्मा, गगनजोत सिंह, अनिल चौधरी, कृष्ण वासल, रामपाल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शनों हेतु पूर्व CPS के डी भंडारी की अगुवाई में जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन रवाना की गई, जिसे पूर्व CPS के डी भंडारी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से भगवान श्री राम के जयकारों के साथ भक्त रवाना हुए। इस दौरान भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष सुशील शर्मा, सीमा गल्होत्रा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर छावनी में श्री मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति स्थापना चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू कश्यप परिवार द्वारा करवाई गई, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों ने अपना विशेष योगदान दिया। इस दौरान पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चारण सहित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस अवसर पर रणदीप सोडी, रितिका, गीतांजलि, हेजल, लक्ष्य, विक्की जिंदल, मोनू जिंदल, बंटी गोयल प्रधान, कमल चौहान, दीपक, प्रतीक राज, कुमार राजू, सूरज, किरण, रमा गुप्ता, चेतन, महेंद्र बाबा, मोहित गर्ग, आकांक्षा, प्रोमिला रानी, विष्णु अग्रवाल, मुनीश जिंदल, बॉबी जिंदल, शिवम गर्ग सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज श्री सनातन धर्म सभा रामा मंदिर में श्री मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति स्थापना की गई, जिसको स्थापित करने के लिए श्री हरविंदर सिंह पप्पू जी और उनके परिवार ने पूरी सेवा करी और सारी पूजा की व्यवस्था की गई। इसमें उनके सभी परिवार के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दिन रात प्रभु की सेवा करी, इसमें उनका योगदान सराहनीय है। सबसे पहले सनातन धर्म
सभा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु की कृपा से मेहंदीपुर धाम में निवास करने वाले बालाजी हैं आज आपके मंत्र के अंदर विराजमान हो गए हैं। मेहंदीपुर जो बालाजी हैं अभी आपके शेखा बाजार मेहंदीपुर बालाजी स्थापित हैं। इस प्रकार से वहां पर कोई भी जाता है या किसी प्रकार की पीड़ा लेके जाता है, किसी का बीजा नहीं लग रहा है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, किसी का संतान नहीं हो रही है या किसी प्रकार के शरीर में परेशानी है, रोग है, किसी प्रकार का भी रोग है या किसी प्रकार की परेशानी है, वो सब उनकी कृपा से दूर हो रही है। जो कि आज पहले तो भागवत जो कि चल रही थी साढ़े मथुरा बन वृंदावन तो गुरु जी आए थे और अज जो कि वह हवन जग किया गया वो मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति जो कि स्थापना की गई है इतने वो साढ़े चेचे तौर साढ़े मिंदर सिंह बाबा जी ने जो कि मंदिर के सजावट का काम किया उन्होंने बहुत बहुत असं धन्यवाद करते हैं और साड़ी सारी टीम जो कि इतने सहयोग भी साढ़े नाल करती है और मैं सारे का इतने आने बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और साढ़े चेचे तौर के उपर सू कैंट के दर्शन देने साडे मेहंदीपुर बालाजी जो कि बाजार शेखा के एम एल ए साडे रमन रोड़ा जी उत्ते सेवा करते हैं उन्होंने पंडित पुजारी जी ने इतने आके बहुत बहुत सारियां आशीर्वाद दिता है और मैं अपने वालों कमल चौहान प्रधान वालों सारियां इतने आने लख लख बधाई देना। जड़ा कि प्रोग्राम यह आयोजन किया गया वै वो सब तो ज़्यादा सीमा जी और आशा जी का बहुत सहयोग है और राजू पंडित जी का भी बहुत सहयोग है। सीमा जी ने ही आके मेरे ना गल की सी कि आपने जड़ी कि इतने भगवत करानी है तो मैं उन्होंने कहा चलो असी सारे जने मिल के इतने रामा मंदिर के अंदर करांगे और मैं अपने फिर सारी अपनी टीम बांके बिहारी मंडल जो कि सदा हूँ सारी इतने रामा मंदिर के अंदर सारा बांके बिहारी मंडल और दीपक प्रतीक और इन्हों की सारी फैमिली बहुत जुड़े हुए बाकी सारे ही जो इन्ने दिन इतने मीह के भी गर्मी के सारे आते रहे हैं साड़िया माता भैन इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। इदा ही ये सारे जने सहयोग साढ़े न करते रहन और अज भी जो कि लंगर इतने लगया गया वै इस तो बाद भी लंगर चलाया गया रहेगा। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तगण व श्री सनातन धर्म रामा मंदिर कमेटी जिसमें हमारे चेयरमैन साहब श्री हरविंदर जी पप्पू, श्री कमल जी चौहान प्रधान जी, श्री प्रभु दयाल जी कोषाध्यक्ष, श्री एनके जी और भी सभी सदस्यगण, क्षमा चाहता हूँ सभी के नाम नहीं जानता, और सभी संगत, सभी भक्तगण, कथा सुनने वाले, मंदिर में दर्शन करने वाले और जो यहाँ आकर के कथा सुनते हैं वो, जो अपने घर बैठ कर के भी कथा सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत कई चैनलों पर आ रहा है, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से साधुवाद। आप सभी को परमात्मा हर वो खुशी प्रदान करें जो आपको जीवन में चाहिए, आपको परमात्मा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करें। हार्दिक धन्यवाद करते हैं, सभी परिवार के सदस्य का इनमें पूरा योगदान रहा है। रणदीप जी, सोडी जी, रितिका, गीतांजलि, हेजल, लक्ष्य, पिंकी जिंदल, विक्की जिंदल, मनु जिंदल, बंटी, गोपाल, कमल जी और आकांक्षा, किरण, किरण जी और वनीता जी, पूजा जी, मधु जी शशि बाला शर्मा जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया खन्ना बगीची नजदीक चंदन नगर रेलवे क्रॉसिंग जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय शशि बाला की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व सीपीएस के डी भंडारी डॉक्टर बलबीर हस्तीर,
वेद दत्ता, इंद्रजीत सिंह राही, अश्विनी पुरी, निर्मल चोपड़ा, राजेश चोपड़ा, सलील बाहरी सहित पारिवारिक सदस्यों में राकेश कुमार जुगनू, कुसुम, अंजू, संजू सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय शशि बाला शर्मा को श्रद्धांजलि भेंट की। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज सभी हम अपनी बहन शशि बाला शर्मा जी के अंतिम शोक सभा में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा इस परिवार से पिछले लगभग 45-50 साल से नाता रहा है। शशि जी एक बड़ी बहन होने के नाते जिस तरह उन्होंने अपने परिवार को संभाला, मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके माता जी से, उनके भी हाथ का मैंने भोजन खाया हुआ है। और जब उनके देहांत के बाद अपनी बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए शशि जी ने अपने पूरे भाई बहनों का ध्यान रखा, अशोकपुरी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 2 जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय डॉक्टर अशोकपुरी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पारिवारिक सदस्यों में बेटा मनोज पुरी सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय डॉक्टर अशोकपुरी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। ब्यास गद्दी ते बैठे पंडित जी महाराज सामने बैठियां मेरिया मातावां भैणां भाई, अज सारे असी पुरी साहब जी दे अंतिम शोक सभा दे विच इकट्ठे होए हां। हर प्राणी, हर इंसान जो इस दुनिया दे विच जन्म लैंदा है, उस इंसान नूं इह काल रूपी मौत इक ना इक दिन किसे ना किसे बहाने दे नाल इस दुनिया तों लै जांदी है। लेकिन जिहड़ा प्राणी, जिहड़ा इंसान इस समाज के चंगे काम करता है, उस इंसान के जान के नाल जिते परिवार को बड़ी वड्डी घाट पैंदी है, उत्थे समाज को भी बड़ी वड्डी घाट पैंदी है। मेरा इस परिवार के नाल लगभग 30-35 साल तो प्यार है। मैं और मनोज जी असी इकट्ठे ही राजनीतिक तौर पर यूथ कांग्रेस के विच काम किया। तमाम संगत गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज 2 के बैठी है और अज एक ऐसी महान आत्मा, महान शख्सियत जिन्हों मैं बड़ी चंगी तरह जानता, क्योंकि लवल जी के नाल 1990 तो नाता जुड़े जो मैं यूथ कांग्रेस में इकट्ठे से। लवली जी, मैं बेरी साहब, एम एल ए साहब, दविंदर बापू जी हमें इकट्ठे आप गल करनी चाहवागे कि समाज सेवक बनना, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा समाज सेवक बने, कोई बड़ी औखी चीज़ है, घर का बहुत बड़ा नुकसान करना पैदा। चाहे बच्चा वैल एजुकेटेड बिजनेसमैन है तो सारी सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि टाइम समाज को देना पैदा है, टाइम लोगों को देना पैदा, सब रैलियां जाने पैदा। सिद्धू जी का अपना बहुत बड़ा बिजनेस से मेडिसिन की दुकान, उन्होंने अभी भी याद है, उत्थे डॉक्टर पुरी साहब नाल मिलने का मौका मिलता सी और बहुत वधिया सुभा।
क्योंकि अच्छे संस्कार अपने सामने बैठे ने अपने भाई साहब ने गल की अच्छे संस्कार रहे ने वो माँ बाप तो मिलते हैं पहला गुरु कौन है माँ बाप है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 5 किलो अफीम की बरामद। हिमाचल से गुरदासपुर जा रही दूल्हे की कार गांव हवेल चांग के नजदीक हुई दुर्घटनाग्रस्त, दूल्हे की बहन व ड्राइवर हुए गंभीर घायल। कैबिनेट मंत्री पंजाब रामशंकर जिम्पा ने गांव बजवाड़ा और किला बरुण में सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।